हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर यूपी टेट का बैच स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले इंग्लिश में हम सेंटेंस क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी में अपनी अगली कड़ी जोड़ते हुए नाउन को पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उस सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकतर सभी जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। ये आपको यूपी टेट में भी मदद करेगा, इसके अलावा रीट में, सुपर टेट में और अग्निवीर में भी ये आपकी हेल्प करने वाला है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं नाउन। ये नाउन है क्या? देखिए, मैंने नाउन के सामने मैंने लिखा हुआ है नेम। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं नाउन को? संज्ञा बोलते हैं। अब ये नाउन क्या है? एक नेम है। किस ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि आ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो जो नाउन है वो नेम है। हमें सिर्फ अपने माइंड में याद रखना है कि नाउन क्या है, एक नेम है। और हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें समझना है। अब ये किसका नेम है? किसी पर्सन का नेम है। पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति का नेम है। प्लेस किसी जगह का या किसी स्थान का नेम है। एनिमल्स किसी जानवर का नेम है। और थिंग्स किसी वस्तु या चीज का नेम है। अगर हम देखें ये जो हमारा संसार है, इस संसार में क्या है? पर्सन ही है, प्लेस जगह है, एनिमल्स जानवर है, थिंग्स वस्तुएं हैं। तो ये हमारा पूरा संसार है वो इन सभी चीजों से मिलकर बना है। किन चीजों से? व्यक्ति से, स्थान से, जानवर से और चीजों से। और इन सभी के नामों को हम क्या बोलते हैं? इन सभी के नामों को हम बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं हम? नाउन। व्यक्ति का नाम देखो, जैसे मोहन, ये क्या हुआ? किसी व्यक्ति का नाम है। नेहा, तो ये क्या हुई? व्यक्ति, किसी पर्सन के नाम हुई। जगह का स्थान, जैसे सहारनपुर, तो सहारनपुर क्या है? एक जगह का नाम है। तो सहारनपुर क्या हुआ? एक नाम हुआ। मोहन क्या हुआ? एक नाम हुआ। नेहा क्या है? नाम है एक। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या हुआ? एक नाम हुआ। जगह सहारनपुर, सहारनपुर क्या है? किसी जगह का, किसी प्लेस का नाम है। तो सहारनपुर क्या हुआ? एक नाम हुआ। जानवर देखो, जैसे जानवर लायन, काउ, डॉग, तो ये क्या है? जानवर है। तो ये भी क्या हुए? लायन, काउ, डॉग, ये भी क्या हुए? एक नाउन हुए। अब ये चीज कोई वस्तु, देखो आप पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में क्या है? एक मोबाइल है ना। तो ये मोबाइल क्या है? एक चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। तो मोबाइल क्या हुआ? एक नाउन हुआ। आपके हाथ में क्या है? एक पेन है, एक बुक है ना, नोटबुक है। तो ये सब क्या हुए? ये क्या है? सब नाउन है। तो हमें नाउन से क्या याद रखना है? नेम। नेम क्या है? हमारा नाउन है। किसका नाउन है? किसका नेम है नाउन? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल्स का और किसी थिंग्स का। नाम क्या है? हमारा नाउन है। अब देखिए, हम जो चीज देखते हैं ये हमें दो भागों में देखने को मिलती है, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। कुछ चीजें तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं अपनी आंखों के द्वारा, और कुछ चीजें हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देखते, केवल उन्हें हम क्या करते हैं? फील करते हैं, केवल हम उन्हें महसूस करते हैं। देखो, जो बुक है हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, इसे टच भी कर रहे हैं। तो बुक क्या हुई? हमारी एक डायरेक्ट चीज हुई। और दूसरी इनडायरेक्ट, आपके टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है लव। लव क्या है? हम इसे क्या करते हैं? केवल फील कर सकते हैं, हम इसे टच नहीं कर सकते, इसे देख नहीं सकते। तो लव क्या हुआ? एक, ये भी एक थिंग्स हुई। तो ये क्या है? लव क्या है? एक हमारा नाउन है। पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन थे कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज लव, ये लव क्या है? तो उसमें ऑप्शन थे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो नाउन, ये लव क्या है? हमारा नाउन है। क्योंकि किसका नाम है? ये
एक चीज का नाम है। कैसी चीज का नाम है? जो इनडायरेक्ट है, जिसे हम फील कर सकते हैं। आई होप आपको ये नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि नाउन क्या है। एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी एनिमल्स का नाम है और एक थिंग्स का नाम है। जितने भी आपको नाम दिखाई दे वो क्या है, हमारे सारे नाउन है। और ये जो संसार है हमारा, हम अपने आस पास में वातावरण में जो भी चीजें देखते हैं वो सभी क्या है, नाउन है। तो नाम क्या है, एक अपने आप में एक नाम लिए हुए चीज है, कोई वस्तु है। तो आशा करती हूँ कि आपको नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि नाउन है क्या। नाउन क्या है, एक नेम है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल्स का और किसी थिंग्स का। और हम अपने इस आसपास के एनवायरमेंट में जो हमारा यह संसार है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। अधिकतर देखो किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति है हमारे संसार में, बहुत सी जगह है, बहुत से जानवर हैं और बहुत सी चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं और उन्हें हम टच नहीं कर सकते। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ थिंग्स ऐसी हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वो क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन क्या है, एक नेम है। हमें याद रखना है नाउन क्या है, नेम है। आशा करती हूँ डेफिनेशन क्लियर होगी होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं नाउन्स के काइंड्स। Kinds of noun. Kinds of noun. देखो ये जो kinds है, यानी कि जो प्रकार है noun के, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। Noun की definition में ही हम noun की kinds पढ़ चुके हैं। अब हमें केवल थोड़ा थोड़ा सा समझना है, हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें समझना है। मैं बार बार कह रही हूं हमें समझना है। सबसे पहले नाउन को हम लेते हैं प्रॉपर नाउन। सबसे पहले नाउन का टाइप क्या है, प्रॉपर नाउन। और दूसरा नाउन का टाइप है हमारा कॉमन नाउन। पहले हम इन दोनों को ही समझ लेते हैं। वैसे नाउन के जो काइंड्स होते हैं वो पांच होते हैं, लेकिन हम पहले समझेंगे प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को। देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों में हम थोड़ा कंफ्यूजन होता है समझने में। देखो जो प्रॉपर नाउन है वो किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का खास नाम है, कोई खास नाम है। प्रॉपर नाउन क्या है, कोई खास नाम। ठीक, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं हम हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन कोई खास नाम, अभी कोई खास नाम कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे गंगा, अब गंगा बताइए मुझे किसका खास नाम है, किसी रिवर का खास नाम है ना। और जैसे आप बहुत से टीचर से पढ़ते होंगे और उनके नाम क्या है, अलग अलग हैं। चलो मैं किसी एक टीचर का नाम तुम्हारे यहां लिख देती हूँ, राम। राम क्या है, तुम्हारे कोई टीचर है ना। इधर लिख देते हैं हम टीचर। अब आप क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो। चलो हम इंग्लिश को लिख देते हैं यह। और इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है ना, जैसे हिंदी लैंग्वेज भाषा। तो हम इंग्लिश को, लैंग्वेज को लिख देते हैं यहां। अब आप क्या हो, कोई बॉय हो या गर्ल हो, हम यहां लिख देते हैं बॉय। सॉरी, बॉय का कोई नाम विकास। ठीक है, और यहां लिख देते हैं हम विकास क्या है, बॉय। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष, कोई खास नाम को इंडिकेट करता है। जैसे कोई खास नाम क्या हुआ, गंगा। किसका खास नाम है, किसी रिवर का। राम, राम क्या हुआ, तुम्हारे जो टीचर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं ना, उन टीचर्स में से कोई खास नाम है राम, जिसे तुम पसंद करते हो। अब देखो हमारी लैंग्वेज हिंदी भी है, उर्दू भी है ना,
इंग्लिश भी है, लेकिन तुम कौन सी लैंग्वेज को पसंद करते हो? इंग्लिश को। तो इंग्लिश क्या हुई? कोई खास लैंग्वेज हुई, ठीक है। और जैसे बॉय, अब देखो लड़कों के नाम जैसे राम भी है, श्याम भी है, विकास भी है ना, लेकिन हमने कोई खास नाम सुना विकास। तो जो प्रॉपर नाउन है वो किसी खास व्यक्ति को इंडिकेट करता है, किसी पार्टिकुलर नेम को, किसी पार्टिकुलर प्लेस को, किसी पार्टिकुलर थिंग्स को, है ना। और जो ये कॉमन नाउन है, अब देखो इतने सारे लड़कों में से जब इतने सारे लड़के हैं और मैंने उन्हें एक नाम दे दिया बॉय, तो बॉय कौन सा नाम हुआ? हमारा कॉमन नाम हुआ। अब इतनी सारी रिवर्स है, गंगा है, यमुना है ना, अब उन्हें मैंने क्या दे दिया? एक नाम, कॉमन नाम दे दिया, सामान्य नाम। सारी नदियों को एक सामान्य नाम से बुलाते हैं हम, नदी, है ना। तो ये नदी क्या होगी? हमारी कॉमन नाम होगी। अब तुम्हारे जो स्कूल में तुम पढ़ते हो बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, लेकिन हमने उन सब टीचर्स को क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। कोई टीचर्स है उसका नाम क्या है? राम। तो राम क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाम। तो आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आपकी समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ा इधर चलते हैं। देखो ये कोई क्लास है ना, ये क्या है? क्लास है। अब इस क्लास में नेहा भी है, मोहन भी है, सोनिया भी है और राम भी है। ये सब क्या है? इस क्लास में है, ठीक है। और ये क्या है? इनके पार्टिकुलर नेम है, अलग अलग नाम है। तो ये जो अलग अलग इनके नाम है ये क्या हुए? प्रॉपर नाउन। और अब मैं इन्हें सब को एक साथ बोलती हूँ एक सामान्य नाम से, स्टूडेंट। क्या बोलती हूँ मैंने? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन। स्टूडेंट हुआ हमारा कॉमन नाउन। और ये जो इनके पार्टिकुलर नेम है, अपना अपना विशेष नाम है, इनका कोई खास नाम है, ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये कोई बागीचा है और इस बागीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, कुछ मैंगो ट्री है, कुछ बनियन ट्री है और इसी में कुछ क्या है? रोज, रोज यानी कि गुलाब के फूल है। तो ये जो मैंगो ट्री है, ये बनियन ट्री है और जो ये रोज है, ये क्या हुए? हमारे प्रॉपर नाउन हुए। क्या हुए? हमारे प्रॉपर नाउन। और इस रोज को मैंने नाम दे दिया, एक सामान्य नाम दे दिया, फ्लावर। अब इस फ्लावर में रोज भी आ गया, लोटस भी आ गया, सब आ गए ना। तो ये जो रोज है ये इसका पार्टिकुलर नेम है किसी फ्लावर का, तो रोज हुआ हमारा प्रॉपर नाउन और फ्लावर हुआ हमारा कॉमन नाउन। अगर मैं मैंगो ट्री ना लेकर केवल ट्री कह दूं, तो ट्री हुआ हमारा कॉमन नाउन जो सारी जाति को इंडिकेट करता है, ट्रीज की सारी जाति को इंडिकेट करता है। अगर मैं एक नाम दे दूं उस ट्री को कि ये किसका पेड़ है, ये आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है हमारी? द वर्ड विच डिनोट्स अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष स्थान को, किसी विशेष जानवर को या किसी विशेष थिंग्स को डिनोट्स करता है, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे प्लेस, प्लेस हुआ जैसे सहारनपुर, ठीक। तो सहारनपुर हमारा कौन सा नाउन है? हमारा प्रॉपर नाउन है। मेरठ हमारा कौन सा नाउन है? हमारा प्रॉपर नाउन है। और अब इन दोनों को मैंने एक नेम दे दिया सिटी, तो सिटी हमारा कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। जो पार्टिकुलर प्लेस को बताए वो हमारा कॉमन नाउन।
होम प्रॉपर नाउन। ऐसे ही एनिमल्स, एनिमल्स में क्या है, लॉयन भी है, टाइगर भी है, है ना। अब ये लॉयन टाइगर मैं अलग अलग कह रही हूं, तो लॉयन टाइगर तो होगी हमारे प्रॉपर नाउन। और अगर मैं उन्हें एक किसमें किसी जाति से इंडिकेट कर दूं, किसी जाति से उन्हें जोड़ दूं, ये एनिमल्स है, तो एनिमल्स हमारा कौन सा नाउन हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन क्या है हमारा, द बर्ड्स विच डिनोट अ कॉमन पर्सन, प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करता है, और कॉमन नाउन हमारे कॉमन पर्सन प्लेस एनिमल को डिनोट करता है। ऐसे करते हुए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम अपने तीसरे नाउन की तरफ। हमारा तीसरा नाउन है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा है हमारा मैटेरियल नाउन। देखो मैटेरियल यानी कि पदार्थवाचक, पदार्थ कोई चीज जिससे कोई नई वस्तु बन जाए, ठीक है, वो होती है हमारी मैटेरियल नाउन, इसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जिन जिन पदार्थों से कोई दूसरी वस्तु बन जाए, ठीक है, अब वो हमें क्या दिखाई दी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी, वो होता है हमारा मैटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, देखो गोल्ड से बहुत सी चीजें बन जाती है, और उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, तो गोल्ड क्या हुआ हमारा मैटेरियल नाउन। ऐसे ही वुड, वुड क्या होती है, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सी चीजें बन जाती है और उन्हें हम डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, तो वुड क्या हुआ हमारा मैटेरियल नाउन। इसके अलावा प्लास्टिक, ये क्या है हमारा मैटेरियल नाउन है। और गोल्ड, आपके टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोल्ड कौन सा नाउन है, तो गोल्ड हमारा मैटेरियल नाउन है। मिल्क, मिल्क से बहुत सी चीजें बन जाती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट देख सकते हैं, तो मिल्क भी हमारा कौन सा नाउन है, हमारा मैटेरियल नाउन है। क्लॉथ, कपड़ा क्या है हमारा मैटेरियल नाउन है। कर्ड, दही, ये क्या है हमारे सब मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन क्या है इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स अ मैटेरियल इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। ठीक है, बट हमें ये ध्यान रखना है, इट कैन नॉट बी काउंटेड, ये चीज हम कैसे ब्रेक से लगा सकते हैं, जो मैटेरियल नाउन होगा वो हम काउंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मैटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट करना यानी कि हम इसे गिन नहीं सकते। देखो क्या कर सकते हैं, हम इसे माप या तोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इसे माप या तोल सकते हैं। जो ये गोल्ड है हम इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वुड, लकड़ी, हम इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। प्लास्टिक, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो जो मेटेरियल नाउन है हम उसे क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, माप या तोल सकते हैं। मेटेरियल नाउन क्या है, वो पदार्थवाचक संज्ञा है जो वस्तुएं क्या है बनाई जा सकती है, यानी कि जिन पदार्थों से वस्तुएं बनाई जा सकती है वो हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन है। और किस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं मैटेरियल नाउन को, कि वो चीजें जो काउंट नहीं होती वो हमारी मैटेरियल नाउन होती है। हमने पढ़ा नाउन क्या है, नाउन हमारा नाम है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, एनिमल्स का और थिंग्स का। हमने पढ़े काइंड ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन्स बताए अभी तक मैंने तुम्हें, तीन। कौन से, प्रॉपर नाउन जो पार्टिकुलर किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल्स को डिनोट करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। फिर हमने पढ़ा कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है, द वर्ड विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, जो कॉमन सामान्य पर्सन को, किसी प्लेस को, एनिमल्स को और थिंग्स को डिनोट करता है, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल दिए हैं, आपके टेट में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एक ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन में दे देंगे कि लव बताइए कौन सा नाउन है, गोल्ड बताइए कौन सा नाउन है, तो हमें इनके एग्जाम्पल को
विशेष रूप से अपने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं हम, अगला नाउन है हमारा नंबर चार। मैंने आपको पांच प्रकार के नाउन बताए हैं, फोर्थ नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, एक कलेक्टिव, कलेक्ट जो कि चीजें समूह में हो, इसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो भी चीजें अब हमें समूह में दिखाई दे वो होती है हमारी कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल लेते देखो, आर्मी, आर्मी में क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ रहते हैं, तो आर्मी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी से हमें कुछ और भी जोड़ दे, देखो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं। अब आप मुझे बताइए ये सोल्जर्स कौन सा नाउन है, ये सोल्जर्स कौन सा नाउन है, ये सोल्जर्स है हमारा कॉमन नाउन, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और इस सोल्जर्स को मैं कोई भी नाम दे दूं तो वो नाम हमारा क्या हो जाएगा, वो नाम हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इस सोल्जर्स का नाम हुआ मोनू, तो मोनू हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, ठीक। और मैंने इसे सोल्जर्स कह दिया तो ये हुआ हमारा कौन सा नाउन, हमारा कॉमन नाउन। अब ये क्या कहां है, ये है एक आर्मी में, आर्मी में क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं, ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन से हमें याद रखना है ग्रुप, क्या याद रखना है, ग्रुप। जो भी चीजें ग्रुप में है वो हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कुछ एग्जांपल आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहे, आपके माइंड में आ रहे हैं, तो जैसे आर्मी क्लास ना, क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं, क्लस्टर होकर बैठते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, तो क्लास हमारा कौन सा नाउन है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। और आपकी क्लास में क्या है, कौन है, राम है, तो राम कौन सा नाउन है, हमारा प्रॉपर नाउन। और आप उसे क्या कहते हो, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, हमारा कॉमन नाउन। ऐसे चीजों को हमें जोड़ते जाना है। और कुछ एग्जांपल टीम है ना, टीम कौन सा नाउन है, हमारा टीम है, हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम्स में बहुत सारे प्लेयर्स क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब ये प्लेयर कौन सा नाउन है, प्लेयर हमारा कौन सा नाउन है, प्लेयर है हमारा कॉमन नाउन। और इसी टीम के एक प्लेयर को मैंने नाम दे दिया सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन। और सचिन तेंदुलकर एक प्लेयर है, वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और उसके सभी जो भी प्लेयर्स हैं उसे मैंने एक ग्रुप में नाम दे दिया टीम, तो टीम हमारा कौन सा नाउन है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। आगे चलते हैं, जैसे आर्मी हुआ है ना, ये क्लास हुआ, टीम हुआ, और कैटल, कैटल होता है ये पशुओं का झुंड, जैसे बहुत सारे पशु एक साथ चढ़ते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कैटल, तो कैटल कौन सा नाउन है, हमारा कलेक्टिव नाउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन कि कैटल कौन सा नाउन है, तो हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, पक्षियों का झुंड है ना। और जैसे बंच ऑफ, बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, ये भी हमारा कौन सा नाउन है, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ ग्रेप्स, ये भी क्या है, अंगूरों का गुच्छा, बहुत सारे अंगूर एक साथ हैं, तो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। अंगूर बताइए मुझे कौन सा नाउन है, अंगूर है हमारा, मैंने एक फ्रूट को नाम दे दिया, उसे एक पार्टिकुलर नाम दे दिया, तो अंगूर है हमारा, ग्रेप्स है हमारा प्रॉपर नाउन। और अगर मैं फ्रूट कह दूं तो फ्रूट है हमारा कॉमन नाउन। अगर मैं से एक बंच ऑफ ग्रेप्स, ये मैंने क्या कर दिया, इसको समूह में कर दिया, तो ये क्या है, हमारा कलेक्टिव। आशा करती हूं कि आपको नाउन का फोर टाइम्स कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रकार पर, जो है हमारा पांचवा प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। देखो ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इट इज समथिंग, ये कुछ ऐसी चीज है
It is something which we cannot see, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और ना ही हम इसे टच कर सकते, टच यानी कि इसे छू नहीं सकते, और हियर इसे हम सुन भी नहीं सकते, बट वी कैन फील, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी थिंग्स है जिसे हम तो ना तो उसे हम देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ना हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हम उसे केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि नाउन क्या है, पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स का नाम है, लेकिन मैंने थिंग्स को दो पार्ट में बांटा था, एक तो डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट चीज है जिसे हम देख सकते हैं वो तो चली जाएगी हमारे मेटेरियल नाउन में, क्योंकि उन चीजों को हम देख सकते हैं, और दूसरी चीज क्या है जिसे हम फील कर सकते हैं वो चली जाएगी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसलिए मैंने चीजों को दो भागों में बांट के बताया था कि जो नाउन में जो थिंग्स होती है वो दो तरीके से हम उन्हें बांट सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो ये इनडायरेक्ट चीज है वो आती है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इनको फील कर सकते हैं। जैसे कि लव, लव क्या है आपके टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और लेकिन ये क्या है, हम इसे ना तो देख सकते, ना टच कर सकते, ना सुन सकते, हम इसे क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा हेट, नफरत, जॉय, आनंद है ना, खुशी, हम इन्हें देख नहीं सकते, हम केवल इन्हें फील कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये क्या है, हम इसे किसी की ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, हम केवल फील कर सकते हैं हाँ वो ईमानदार है। ब्यूटी, सुंदरता, तो ये सब क्या है, जिन चीजों को हम देख ना सके केवल फील कर सके, वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे नॉलेज, ज्ञान, ये कौन सा नाउन है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, ये भी हमारा कौन सा नाउन है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा इंपोर्टेंस, ये भी हमारा कौन सा नाउन है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक नाउन आपकी समझ में आया होगा। एक बार में दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। नाउन क्या है, एक नाम है, किसका नाम है, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल्स का और किसी थिंग्स का नाम है, ठीक है। और नाम के प्रकार मैंने पांच प्रकार बताए हैं, प्रॉपर नाम, कॉमन नाम, मेटेरियल नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाम और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाम जो किसी पार्टिकुलर नाम को, पार्टिकुलर नेम को बताए, वो हमारा होता है प्रॉपर नाम। और कॉमन नाम, जब वो जैसे मैंने बताया तुम्हें, कोई कॉमन नाम दे दिया जाए किसी चीज को, किसी वस्तु को, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। मेटेरियल नाउन, जिससे भी हम कोई वस्तु बना ले वो होता है हमारा मेटेरियल नाउन। और हम कैसे याद रख सकते हैं मेटेरियल नाउन को, कि वो चीजें काउंट नहीं होंगी, वो हमारी मेटेरियल नाउन होती है। फोर्थ टाइप था हमारा कलेक्टिव नाउन, जो भी चीजें हमें ग्रुप में दिखाई दे वो होता है, जो भी चीजें हमें ग्रुप में दिखाई दे, समूह में दिखाई दे, वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक। इसे पांचवा प्रकार का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल हम उसे फील कर सकते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, हेट, जॉय, ऑनेस्टी, ब्यूटी, नॉलेज, काइंडनेस, इंपोर्टेंस एक्सेट्रा। तो ये क्या थे आज हमारा चैप्टर था नाउन। ये नाउन हमें कल हम इस नाउन के जो नंबर्स हैं वो पढ़ेंगे, जेंडर है वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो एरर, नाउन से संबंधित जो एरर पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एरर से संबंधित क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि बताइए सेंटेंस में कहां एरर्स है, कहां गलतियां हैं, तो ये सब हम आपको अपने चैनल के जरिए पढ़ाने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।